मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें देखने जा रहे हैं। सबसे पहला हाउ टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग विथ फॉर लूप, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं str और इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड या सिर्फ हेलो रहने देते हैं, ओके। तो अगर इसके सारे कैरेक्टर को हमें प्रिंट करना है तो हम फॉर लूप से कैसे करेंगे? सो अगर फॉर लूप आपको नहीं आता तो इससे पहले वाले दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसके पहले दोनों फॉर पे जो मैंने वीडियो बनाया उसको देख सकते हो। सो फॉर देन एक कोई भी वेरिएबल लेंगे, मैं आई ले लेता हूँ, देन इन, देन रेंज फंक्शन का यूज करेंगे रेंज, और रेंज में हमें क्या चाहिए? दो वैल्यू चाहिए। पहला डिफॉल्ट वैल्यू जो क्या होगा, जीरो होगा। हम चाहें तो डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ भी दे सकते हैं, रेंज फंक्शन अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। और दूसरा क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग का लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, अगर लेन फंक्शन से हम इसका लेंथ निकालते हैं, लेन str, सो देखो आप कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं काम करता हूँ, इस लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ l में, और फिर मैं इसका यूज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। सो 0 से हमारा कंप्यूटर कहाँ तक जाएगा, l के एक पहले तक। l में कितना है, 5 है, यानी 4 तक। सो स्ट्रिंग में हर करेक्टर का अपना इंडेक्स होता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फर्स्ट करेक्टर का इंडेक्स होगा 0, फिर E का 1, 2, 3, लास्ट O का 4, लेंथ 5 होगा क्योंकि लेंथ 1 से काउंट होता है, बट इंडेक्स 0 से होता है, ओके। देन कॉलन, फॉर के ब्लॉक में आते हैं। अब हमें यहाँ प्रिंट करना है सारे करेक्टर को, सो प्रिंट स्ट्रिंग का नाम क्या है, str, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या देंगे, i। i देने से क्या होगा, देखो रेंज फंक्शन मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से L के एक पहले तक, L में कितना है, 5 है, तो 5 के एक पहले मतलब 4 तक। सो 0 से 4 तक हर नंबर को बारी बारी I में स्टोर करेगा। तो सबसे पहले I में क्या स्टोर होगा, 0, देन 1, फिर 2, देन 3, देन 4, और उसके बाद जब रेंज फंक्शन के बाद कोई वैल्यू नहीं होगा I में स्टोर करने के लिए, तो हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब हमने str में i पास किया तो फर्स्ट टाइम i में कितना होगा, 0, तो str में 0 इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, h है, तो फर्स्ट टाइम h प्रिंट करेगा। देन अगली बार i में 1 आएगा, और फिर i में 1 है तो str, और i में 1 है तो 1 पे कौन सा करेक्टर है, e, तो फिर e प्रिंट करेगा। उसी तरीके से देन l, फिर से l, फिर o, सी दिस h e l l o। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप रेंज फंक्शन यूज नहीं करना चाहते हो तो फॉर के साथ आप सीधे यहाँ पे स्ट्रिंग, जो हमारे स्ट्रिंग है उसको लिख सकते हो, str, str में क्या है, हेलो। बट अब क्या होगा, हमारा जो इन कीवर्ड है वो str का हर कैरेक्टर बारी बारी i में स्टोर करेगा। तो str में क्या स्टोर है, हेलो, तो फर्स्ट टाइम i में क्या स्टोर होगा, पहला कैरेक्टर h, फिर i में क्या स्टोर होगा, e, देन उसके बाद l, फिर उसके बाद फिर से l, फिर उसके बाद o, ओके। तो अब यहाँ पे str और ये सब लिखने की जरूरत है, अब सिर्फ i लिख दो, क्योंकि हर बार i में एक कैरेक्टर आ रहा है। ये देखो हमारा आउटपुट आ गया, हेलो, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल दो तरीका है जिससे हम अपने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। जैसे यही हमारे पास है हेलो, हमें इसे रिवर्स करना है। सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। सो कैसे रिवर्स करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपको str को रिवर्स करना है तो आप सिंपल लिखोगे str स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में पहला वैल्यू दोगे कॉलन। बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में हम तीन वैल्यू देते हैं, ठीक है, स्टार्ट, देन कॉलन, देन स्टॉप, मतलब कहाँ पे स्टॉप होना है, एंड देन थर्ड स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होगा, अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको भी सिंटेक्स है, मैं इसको भी कमेंट में कर देता हूँ। अब अगर हमारा एक s नाम का स्ट्रिंग है और इसमें मैंने स्टोर कर लिया वर्ल्ड, ओके, अब मैं अगर यहाँ पे s स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ 1 कॉलन, तो स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या दिया, 1,
यानी s में से कहां से स्ट्रिंग प्रिंट होना स्टार्ट होगा, वन इंडेक्स से। तो w किस इंडेक्स पे है, जीरो पे। o किस इंडेक्स पे है, वन पे, तो o से स्टार्ट होगा। ओके कहां तक जाना है, तो मैं देता हूं फोर। सो आप देखो फोर पे कौन सा कैरेक्टर है, w जीरो पे है, o वन, r टू, l थ्री और d फोर पे है। तो जो स्टॉप की हमने वैल्यू दिया है, कंप्यूटर एक उसके पहले तक लेगा यानी थ्री तक। तो आउटपुट क्या आएगा, वन पे ओ है, टू पे आर है और थ्री पे हमारा एल है। तो ओ आर एल आउटपुट आना चाहिए। रन करते हैं, देखो ओ आर एल। अगर आप पहली वैल्यू नहीं देते हो, छोड़ देते हो, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको डिफॉल्ट जीरो मान लेगा। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूं तो देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू जीरो पे है, ओ आर एल। अगर आप दूसरी वैल्यू भी छोड़ देते हो जो हमारा फोर है, मैं अगर इसको भी छोड़ देता हूं तो फिर देखो आउटपुट क्या आएगा, पूरा वर्ल्ड आ गया। ओके अब अगर तीसरी वैल्यू की बात करते हैं, ये दोनों कॉलन हो गया और तीसरा वैल्यू होता है स्टेप साइज, तो मैं स्टेप साइज टू देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर पहले एस में से डब्ल्यू को प्रिंट करेगा, डब्ल्यू के बाद एक स्टेप लेके वो नहीं जाएगा, दो स्टेप लेगा। तो डब्ल्यू के बाद आप दो स्टेप लोगे, किस पे पहुंच जाओगे, आर पे। तो उसके बाद आर प्रिंट करेगा, फिर एक स्टेप लेके एल पे नहीं जाएगा, दो स्टेप लेगा, तो कहां पहुंच जाएगा, डी। तो आउटपुट क्या आएगा, डब्ल्यू आर डी। देखते हैं, ये देखो डब्ल्यू आर डी। ओके अब अगर इसी वैल्यू को हम माइनस में देते हैं, जैसे मैंने यहां दे दिया माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब होता है कि हम पाइथन को बोल रहे हैं कि तुम बैकवर्ड आओ, पीछे से तुम एक्सेस करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले डी को प्रिंट करेगा, फिर पीछे से एक स्टेप और लेगा, एल को प्रिंट करेगा, देन उसके बाद आर को, फिर ओ को और उसके बाद डब्ल्यू को। सो इसको रन करते हैं, ये देखो हमारा जो स्ट्रिंग था वो रिवर्स हो गया, डब्ल्यू ओ आर एल डी, और रिवर्स में क्या आया, डी एल आर ओ डब्ल्यू। सो पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप बहुत ही ज़्यादा ईजी है यूज करना, और खासकर स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, इन सारे डेटा टाइप्स के साथ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू।